जिस मालेगांव आतंकी हमले में प्रज्ञा ठाकुर आरोपी उसके 21 गवाह कोर्ट में पलट गए। साल 2008 के मालेगांव बम ब्लास्ट केस में 21वां गवाह भी पलट गया है। गवाह ने कोर्ट में आरोपी लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित को पहचानने से इनकार कर दिया। क्या है मामला, आइए जानते हैं। तारीख 29 सितंबर 2008 महाराष्ट्र के मालेगांव में भिक्कू चौक के पास एक जोरदार धमाका हुआ। इसके महज कुछ मिनट बाद ही गुजरात के मोडासा में भी धमाका हुआ। इसके 3 दिन पहले नई दिल्ली में भी इसी तरह का धमाका हुआ। ये सभी घटनाएं एक जैसी थी जिसने देश के तमाम शहरों को भयभीत कर दिया कि किसी और जगह भी बम प्लांट किए गए होंगे। मालेगांव के धमाके में 7 लोगों की मौत हुई और मोडासा में एक 15 साल के बच्चे की जान चली गई थी। कुल 80 लोग घायल हुए थे। हमेशा की तरह लोगों और जांच एजेंसियों को लगा कि ये हमेशा की तरह होने वाली एक आतंकवादी घटना है जिसकी जिम्मेदारी कोई इस्लामी चरमपंथी संगठन लेगा या जांच एजेंसियों के तार वहीं जुड़ेंगे। लेकिन इस बार कहानी कुछ और ही निकली। मुंबई एंटी टेरर स्क्वाड को मालेगांव मामले की जाँच में लगाया गया। इस टीम की अगुवाई ATS प्रमुख हेमंत करकरे कर रहे थे, जिनकी मुंबई के 26/11 के हमले में आतंकियों ने हत्या कर दी थी। मोटरसाइकिल में बम लगाकर धमाका किया गया था। जब इसकी जांच हुई तो पता चला कि इसके पीछे हिंदू कट्टरपंथियों का हाथ है। 24 अक्टूबर 2008 को पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया जिसमें साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर शामिल थी। प्रज्ञा ठाकुर इस समय भोपाल से BJP की सांसद है। जब आगे और जांच हुई तो कड़ी से कड़ी खुलती गई। ATS ने अन्य हिंदुत्ववादी संगठनों की भी भूमिका का खुलासा किया जिसमें राष्ट्रीय जागरण मंच, शारदा सर्वज्ञ पीठ, हिंदू राष्ट्र सेना और अभिनव भारत का नाम शामिल था। ATS ने 4 नवंबर 2008 को लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित को गिरफ्तार किया जो उस समय सेना में काम कर रहे थे, लेकिन तब तक ये मामला राजनीतिक हो गया था। BJP ने ATS पर आरोप लगाया कि ATS कांग्रेस के इशारे पर राजनीतिक फायदे के लिए काम कर रही है। फिलहाल इस मामले की जाँच केंद्र की राष्ट्रीय जाँच एजेंसी कर रही है। इस केस में एक के बाद एक गवाह लगातार पलट रहे हैं। इंडिया टुडे की पत्रकार विद्या की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2008 के मालेगांव केस में 21वां गवाह पलट गया है। ये गवाह पुणे का बिजनेसमैन है। इन्होंने कथित तौर पर आरोपी लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित को कुछ हथियार बेचा था। अब गवाह ने प्रसाद पुरोहित को कोर्ट में पहचानने से इनकार कर दिया है। सोशल मीडिया पर इस खबर के बाद जनता के अलग अलग रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं। एक यूजर लिखते हैं, और एक तबके को कहा जाता है कि भारत की न्याय व्यवस्था पर आस्था रखनी चाहिए। वही एक और यूजर लिखती है, जज लोया होना इतना आसान नहीं है। वहीं एक और यूजर ने लिखा, जब सरकार पलट दे रहे हैं गवाह की क्या बिसात। वहीं एक और यूजर लिखते हैं, गलती इनकी नहीं, गलती उन लोगों की है जो इन्हें अपना वोट देकर संसद में पहुंचाते हैं, वरना इनके कर्म तो कहीं और जाने के थे। आपकी क्या राय है इस खबर को देखने के बाद, हमें कॉमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की हर जरूरी खबर आप तक सबसे पहले पहुँच सके।